जदयू नेता अशोक चौधरी ने दावा किया है और कहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है, वैसे ही अब बिहार में भी कांग्रेस में टूट होगी। अब कांग्रेस को खुद लग रहा है कि राजद के साथ रहकर चुनाव नहीं जीत सकते, तो अब बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले पाला बदल कर जदयू में आ सकते हैं। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार कांग्रेस अब राजद के गिरवी हो गई है और राजद अब राज्यसभा की एक सीट का वादा करने के बाद भी नहीं दे सकती, तो कांग्रेस के विधायक साथ में रहकर क्या करेंगे। अशोक चौधरी के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने जवाब देते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस में किसी भी प्रकार की टूट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जदयू नेता अशोक चौधरी कांग्रेस में जिस टूट का दावा कर रहे हैं वो उनका महज राजनीतिक बयान है और कुछ नहीं। बिहार कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। वहीं कांग्रेस का साथ देते हुए राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर बीजेपी और जदयू हमारे दो नेता को तोड़ेंगे तो हम उनके 20 नेताओं को अपने साथ ले आएंगे। महागठबंधन में एनडीए से ज़्यादा एकजुटता है और बीजेपी की जो स्थिति झारखंड और महाराष्ट्र में हुई है वही नतीजा अब बिहार में भी होने जा रहा है। तो आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।